नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, लगातार हमारे साथ पब्लिक जुड़ रही है, जान रहे हैं उनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए। नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम मैम? मेरा नाम जी कृष्णा। कितने समय से डेरा सच्चा सौदा को जानते हैं? मैं लगभग 40 साल से जी। कितना विश्वास करते हैं गुरु जी के ऊपर? लोग पूरा विश्वास करते हैं, अब तो हमारे श्वास श्वास में, रग रग में हमारे गुरु जी बसे हुए हैं। विश्वास क्यों नहीं, हमें पूरा विश्वास है। क्यों विश्वास करते हो, मतलब आपकी जिंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया जो आज भी आप विश्वास करते हैं? अरे गुरु जी के कारण ही तो जिंदा है, मुझे तो ऐसे लगता है सारी जिंदगी में ही बदलाव आया, नहीं तो हम भी ऐसे ही घूम रहे होते। ये तो पिताजी के कारण ही हमारे तो जीवन में बदलाव आया है, और हमें उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, बहुत अच्छी। मैम, जो दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? आरोप तो सारे एकदम क्या 101% झूठ है। हम तो इतने टाइम से डेरे में आ रहे हैं, हमने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा, ना सुना, ना कुछ, सब आरोप झूठे हैं। क्या जरूरत है ऐसे संत की समाज को? लो, उनकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो तो 135 तो मानवता भलाई के काम चला रखे थे उन्होंने, जो कि संगत सेवा करती है और लोगों के इतने काम होते हैं। तो क्या क्या काम करते हैं लोगों के लिए, समाज के लिए क्या क्या? समाज के लिए वो बहुत काम करते हैं, देखो पर पौधे लगवाते हैं, जैसे सफाई अभियान चला रखे थे, ये जो हमारी संगत है विधवाओं की बेटियों की शादियां करवाते हैं, कितने काम बताएं, फूड बैंक बना रखे हैं, उनके थ्रू सबको राशन पानी मिलता है, कोई इतने 135 कार्य हैं। क्या मांगे तो हम तो सरकार से यही कहेंगे कि हमारे गुरु जी एकदम निर्दोष हैं, उनको जल्दी से जल्दी घर भेजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार संत जी को समाज में लाने की, वापस लाने की मांग की जा रही है। इनका कहना है जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं झूठे। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत